मैं हूँ महिमा। आज मैं आपको सुनाऊंगी मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी मोरी रंग दी चुनरिया। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सफर की थकान इतनी थी कि बिस्तर से उठने का मन नहीं था, पर खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। यह खुशखबरी किसी को सुनाने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। कम से कम जया को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वह मेरे प्राण ले लेगी। वैसे भी आज की खुशी पर सबसे ज्यादा हक उसका ही है, इसी ने इस रिश्ते के लिए इसरार किया था, वरना हम नौकरी पेशा लोग इतनी ऊंची उड़ान भरने के काबिल कहाँ थे। पर उसी ने बार बार कहा, दीदी मेरा मन कहता है मृणाल की शादी यही होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। सिर्फ घी शक्कर से काम नहीं चलेगा, चंदेरी साड़ी लूंगी। अरे बनारसी ले लेना, शादी तो होने दो। बनारसी साड़ी गौतम की शादी पर लूंगी, लड़की की शादी में तुम्हें ज्यादा नहीं मोड़ूंगी। मृणाल के लिए मैंने जब से लड़के देखना शुरू किया है, जया उसे अपना कर्तव्य मान बैठी है। मृणाल पर उसकी अपार ममता है, ऐसे वैसे घर की बात तो मुझे सोचने भी नहीं देती। एक ही तो लड़की है दीदी, उसे इस तरह निपटाने का भाव मत रखो। एक दो साल में वह बूढ़ी नहीं हो जाएगी, देर लगे कोई बात नहीं, पर घर वर दोनों खूब ठोंक बजा कर देख लो। ये तो कई बार मजाक में कहते हैं, अच्छा हुआ प्रिंस चार्ल्स की शादी हो गई, नहीं तो तुम्हारी सहेली वही बात चलाने को कहती। मैं जया की व्यथा कथा जानती हूँ, इसलिए उसकी व्यग्रता समझती हूँ, पर इन लोगों को यह कौन समझाए, कितनी बार समझाए। जया 4 बजे कॉलेज से लौटती है, तब तक तो मुझे सब्र करना ही था, पर उसके बाद मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। टैक्सी में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि जया कितनी खुश होगी। खुश तो बाद में होगी, पहले तो मेरी अच्छी खबर लेगी। बिना बताए ही चली गई थी मैं, पर क्या करती, मजबूरी थी। मृणाल ने साफ मना कर दिया था, इसी शर्त पर जाने पर राजी हुई थी। लड़कियों का इस तरह प्रदर्शन करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर भी लोग यहाँ आने को तैयार न थे। बोले, आप लोग बिटिया के साथ यहीं आ जाइए, इन दोनों हमारी बेटियां भी अमेरिका से आई हुई हैं, उनसे मिलने के लिए सारा परिवार यहाँ इकट्ठा है, आप यहीं आ जाएंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। मन में ढेर सारी आशंकाएं लेकर हम लोग गए थे। लौटते वक्त मन में खुशी से सराबोर था। मृणाल सबको भा गई थी, उन लोगों ने तो वहीं शगुन कर दिया। कहने लगे, सगाई बगाई का चक्कर रहने दीजिए, आप तो जितनी जल्दी हो सके शादी का इंतजाम कीजिए। ये लड़कियां महीना दो महीना भारत में रहेंगी, तब तक हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोग किसी तैयारी से तो नहीं गए थे, जो कुछ पास था उसी से टीका कर दिया और शादी की तिथि निकलवा कर चले आए। मुश्किल से महीने भर का समय था और करने को कितना कुछ था। उन लोगों ने तो कह दिया था कि ज्यादा टीम टाम की जरूरत नहीं है, हम 20-25 लोग आएंगे, सब परिवार आएंगे, किसी होटल में इंतजाम कर दीजिए, शाम को फेरे हो जाएंगे, सुबह हमें विदा कर दीजिए। वे लोग तो इतना कहकर मुक्त हो गए, पर हमारे सामने तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, इतने कम समय में कैसे कुछ हो पाएगा, लड़की की शादी कोई हंसी खेल है। मैडम कहाँ रोकना है, ड्राइवर ने पूछा तो होश आया कि मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई हूँ। जया के घर के सामने गाड़ी रुकवा कर मैंने जल्दी से पैसे चुकाए और उतर पड़ी। जया से मिलने की कुछ इतनी बेसब्री थी कि घंटी बजाते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि दरवाजा खुला है। मैंने कुछ झेपते हुए घर में प्रवेश किया, तब तक बड़ी भाभी बाहर निकल आई। मैंने सोचा अब डांट पड़ेगी, क्या तुम्हें भी इस घर में घंटी बजाकर आना पड़ता है, पर भाभी कुछ नहीं बोलनी। मैंने ही क्षमा याचना करते हुए कहा, सॉरी भाभी आपको डिस्टर्ब किया। जया कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ऊपर जाने का रास्ता भीतर वाले बरामदे में से होकर था। हॉल से गुजरते हुए मैंने देखा कि 4-5 औरतें बैठी हुई हैं। जया की माँ उनसे बात कर रही हैं, पर सारा माहौल बड़ा गुमसुम सा है। मेरी बंगाली चौड़े पाड़ की साड़ी को उन्होंने इस तरह घूरकर देखा कि मुझे संकोच हो आया। अपनी कलफदार पटलियों को और लहराते पल्लू को सबकी नजरों से बचाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि जया की माँ ठीक से नमस्ते भी न कर सकी। सीढ़ियां चढ़ते हुए भान हुआ कि उन्होंने भी तो मेरा कुशल क्षेम नहीं पूछा, इतने दिनों तक न आने का उल्हाना नहीं दिया। और तब याद आया कि बड़ी भाभी ने भी तो आज बात नहीं की, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों भाभियों से मीठी रार तकरार किए बिना मैं ऊपर गई हूँ। जया के कमरे में एकदम सन्नाटा था,
चौबीसों घंटे चीखने वाला टेप रिकॉर्डर चुप था और महारानी पलंग पर लेटी हुई आशा पूर्णा देवी का कोई उपन्यास पढ़ रही थी। आह दीदी आई हैं। मुझे देखते ही वह पुलकित होकर बोली और मेरा मन एकदम हल्का हो गया। नीचे इतना सन्नाटा था कि बस, मैंने कहा, और माँ जी के पास दो चार औरत ऐसी शक्ल बनाकर बैठी हैं जैसे मातम पुरसी पर आई हों। उसने मेरा वाक्य पूरा किया, वे वाकई मातम पुरसी पर आई हैं। अरे मुझे अब अपने कपड़ों पर सचमुच शर्म आ रही थी। कौन? मेरा मतलब है किसका देहांत हो गया? हमारे श्रीमान जी गुजर गए, उसने सपाट स्वर में कहा। कौन श्रीमान जी? एक ही तो थे दीदी, मेरी कौन 10-20 शादियां हुई हैं, उसने कहा। उसके बात करने का लहजा कुछ ऐसा था कि सांत्वना की गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर सांत्वना भी किस लिए, जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही उसके लिए अर्थहीन था। उसके मरने पर शोक और संवेदना का नाटक मुझसे नहीं हो सका, पर उसके घर में तो बाकायदा मातम मनाया जा रहा है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा कभी कोई संबंध नहीं रहा उसका शोक तुम लोग क्यों मना रहे हो? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। हमें तो उन लोगों ने खबर तक नहीं दी, कोई सवाल ही नहीं था। किसी तीसरे व्यक्ति ने पत्र लिखा है जो यहाँ चौथे पांचवें रोज पहुंचा है और बस यहाँ बाकायदा मातम शुरू हो गया। इन लोगों ने मेरी चूड़ियां नहीं फोड़ी, यही गनीमत है। छी कैसी बात करती हो, मैंने सिहर कर कहा। सच कह रही हूँ दीदी, मुझे कमरे में कैद करके रख दिया है। कॉलेज नहीं जाने देते, टीवी नहीं देखने देते, रेडियो नहीं सुनने देते, पानी भी मुझे मांग कर पीना पड़ता है, मुझे कोई घड़ा नहीं छूने देता। क्या कहती हो? सब अम्मा का पागलपन है, मेरी सास मरी थी तब भी यही नाटक हुआ था। मुझे तो सुनकर ही वितृष्णा होने लगी थी, पता नहीं जया कैसे सहन कर रही थी। अच्छा जया, चलूंगी अब, फिर कभी आऊंगी, मैंने एकदम उठने का उपक्रम किया तो उसने हाथ पकड़कर बिठा लिया। ऐसे कैसे चली जाएंगी, जो कहने आई थी वह तो कही है। वह सब कहने का उत्साह ही कहां बचा था। मैंने कहा, तुम कॉलेज नहीं आई तो बस देखने चली आई थी कि क्या बात है। झूठ मत बोलिए, आप कॉलेज गई होती तो यह खुशखबरी आपको कब की पता लग जाती, कल ही तो पूरा स्टाफ मिलने आ गया था। हे भगवान, जया ने कैसे सामना किया होगा उन सबका, खासकर मिसेज माथुर और मिसेज मालवीय जैसे लोगों का। उसने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली, बोली, भाभी उनसे नीचे ही निपट ली, मैंने साफ कह दिया था कि किसी को ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। आश्चर्य है मुझे किसी ने नहीं रोका। आपकी बात अलग है दीदी, सब जानते हैं, आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, बल्कि आप अगर नीचे से ही लौट जाती तो मुझे बेहद दुख होता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप क्या कहने आई थी। बताओ, मृणाल की बात पक्की हो गई है, ठीक है ना? तुमने कैसे जाना? आपके चेहरे से ही पढ़ लिया था, आपके कमरे में आते ही जान गई थी, पर सोचा पहले अपनी खबर सुना दूं फिर आपकी सुनूंगी। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि मुझे बरबस हंसी आ गई। शोक और संजीदगी का जो आवरण ओढ़ रखा था वह गिर पड़ा। कमरे में आने के बाद पहली बार मैंने खुलकर सांस ली। और सुनाइए, उन लोगों को आपने कैसे पटाया? मैं जैसे एक क्षण की बाट ही जो रही थी फौरन शुरू हो गई। जया से यह सब कहे बिना मुझे चैन भी नहीं आता। वहां का सारा हाल बयान करने के बाद मैं घर परिवार का वर्णन करने बैठ गई। संयोग से उनका सारा कुनबा इन दिनों वहां इकट्ठा था, मुझे सबको देखने सुनने का मौका मिल गया था। जया, मृणाल की मौसेरी सास तो एक नमूना है, अच्छा हुआ तुम साथ नहीं गई थी, नहीं तो मृणाल की हंसी पर काबू पाना मुश्किल था, शायद इसी वजह से शादी टूट जाती। अच्छा, उनमें ऐसी क्या खासियत है? अरे पढ़ी लिखी तो कुछ खास नहीं है, पर दिन भर अंग्रेजी की टांग तोड़ती रहती हैं। हमारे यहाँ तो सर्वेटों को बहुत प्रॉब्लम है, ये पिक्चर तो लेडीजों के लायक है, हमारे चिल्ड्रंस तो बहुत शैतान हैं। मैंने ठीक ही कहा था, मेरे मुंह से सुनकर जया को भी हंसी का दौरा पड़ गया था। वहां तो पता नहीं क्या करती, पर जया की हंसी एकाएक थम गई। मैंने पलट कर देखा, दरवाजे में छोटी भाभी खड़ी थी। यह किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी? उनके स्वर में उपालम था। मैं तो शर्म से गड़ ही गई। जया ने जैसे मुझे उबारते हुए कहा, भाभी मृणाल की शादी तय हो गई है, दीदी ने लगे हाथ सगाई की रस्म भी निपटा दी है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। भाभी ने निर्लिप्त भाव से शिष्टाचार निभाया।
उसमें कहीं कोई खुशी का भाव न था, न उन्होंने घर या बर के बारे में कुछ पूछा। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। जया अब चलूंगी, बहुत देर हो गई। इस बार जया ने मुझे रोकने का प्रयास नहीं किया। भाभी पता नहीं किस काम से ऊपर आई थी, उसे भूलकर मेरे साथ ही नीचे उतरने लगी। बीच सीढ़ियों पर बोली, दीदी एक बात कहूं बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। ऐसे शुभ कार्य की चर्चा आज घर में नहीं करनी थी, इससे अपशकुन होता है। चर्चा मैंने नहीं, जया ने ही चलाई थी भाभी, उसने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, नहीं तो शायद मैं वैसे ही लौट जाती। पर भाभी मैं यह नहीं मानती कि इससे अपशकुन होता है। अब आप नए जमाने की हो तो आप क्या कोई पुरखा पुरनिया हो? आप इन ढकोसलों पर विश्वास कर लेती हैं? यह ढकोसला नहीं रिवाज है दीदी। यह कैसा रिवाज है? जिस आदमी का इस घर से कोई संबंध नहीं रहा, जया कभी जिसकी देहरी नहीं चढ़ी, जिसके नाम से उसने मांग नहीं भरी, मंगल सूत्र नहीं पहना, 20 साल से जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, उसका मातम आप लोग क्यों मना रहे हैं, क्यों उस पर लाद रहे हैं? मरने वाला हाड़ मास का आदमी था दीदी। दुनिया में रोज सैकड़ों हाड़ मास के आदमी मरते हैं भाभी, लेकिन सबके साथ हमने फेरे तो नहीं लिए होते। मैं हत बुद्धि होकर उन्हें देखती रह गई। उसके बाद इस घर में एक पल भी ठहरना मेरे लिए दूभर हो गया। मेरी सारी खुशी हवा हो गई थी। मन इतना उद्भ्रांत हो गया था कि घर लौटकर मैंने नौकर को बिना बात के डांट दिया। कमरे की बेतरतीबी पर मृणाल को इस बुरी तरह झिड़की कि वह सिसकने लगी। खाने की मेज पर इनसे बिना वजह लड़ बैठी, पर सबने मुझे माफ कर दिया। सब समझ गए कि अब मुझ पर शादी का टेंशन आ गया है और महीना भर किसी की खैर नहीं है। शादी? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं केवल मृणाल की शादी के बारे में ही सोचती रही हूँ। सपने में भी रात को उसी की देखती हूँ। पर आज की रात जया के नाम थी। मेरे मानस पटल पर उसकी शादी के कई चित्र बनते बिगड़ते रहे। मैं उस शादी में उपस्थित नहीं थी। हम लोगों का परिचय तो बहुत बाद में हुआ, पर जो कुछ सुना था वह मेरी कल्पना शक्ति के लिए काफी था। बहुत ऊंचे घर में जया का संबंध हुआ था। 4 भाइयों का परिवार था। बड़े भाई पिता के साथ घर का कारोबार देखते थे। बीच वाले दोनों इंजीनियर थे। जया का दूल्हा सबसे छोटा और फिलोसफर किस्म का था। जया के पिता वहां 2-4 बार गए पर उससे बात नहीं हो पाई। उन्होंने लड़कों से कहा, हो सकता है मेरा लिहाज करता हो, संकोच के मारे ना बोलता हो। तुम लोग जाकर मिल तो आई, ऐसा ना हो कि वह हकलाता हो या गूंगा बहरा हो। जया के भाई गए और तसल्ली करके घर लौट आए। गूंगा बहरा तो नहीं है, पर हाँ घुन्ना है, बहुत कम बोलता है। अरे उसे तो हमारी जया 15 दिन में तोता बना देगी, बड़ी भाभी ने कहा। सबने चैन की सांस ली और तैयारी शुरू कर दी। बारात बड़ी धूमधाम से आई थी। चारों सुदर्शन भाइयों को देखकर लोगों को राम जी की बारात याद आ गई थी। चढ़ावा तो ऐसा था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। शिकायत थी तो सिर्फ लड़कियों को। वर के 3 भाई उसे इस तरह घेरे हुए थे कि छेड़खानी करने का मौका ही न मिलता था। जयमाला तक तो ठीक था, पर जब बाकी रस्मों पर भी वे बॉडीगार्ड की तरह साथ लगे रहे तो मेरी बहन ने चुटकी ली, आप लोग पांडवों की तरह फिर भी साथ ही लोगे क्या? इस फिक्रे पर वे लोग थोड़ा झेपे, थोड़ा पीछे हटे तो सबको राहत मिली, पर कितनी सी देर को, उसके तुरंत बाद ही वो अघट घट गया। गठजोड़ी करके सप्तपदी के साथ इन लोगों ने अग्नि की परिक्रमा शुरू की ही थी कि दूल्हा गौं गौं करता हुआ गिर पड़ा। आंखें कपाल पर चढ़ गईं और मुंह से झाग सा निकलने लगा। किशोरी नववधु तो यह दृश्य देखते ही मूर्छित हो गई। मेहमानों में 1-2 डॉक्टर भी थे, वे दौड़कर आए, मुआयना किया और बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, मिर्गी का दौरा है, 1-2 घंटे आराम कर लेने दीजिए, ठीक हो जाएगा। 2 घंटे तक क्या कोई चुप रहता है? जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। किसी ने कहा कि बचपन से ही ऐसे फिट से आते रहे हैं, तभी तो कभी स्कूल नहीं भेजा, घर पर ही सारी पढ़ाई करवाई है। किसी ने कहा हाई स्कूल तक तो सब ठीक था, उस साल 1st डिवीजन पास हुआ था, तो किसी ने टोटका करा दिया, बस उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। एक ने बताया कि परीक्षा में दौरा पड़ जाने से उसका BA का रिजल्ट खराब हो गया, उसका दिमाग पर असर पड़ा है। किसी ने यहाँ तक बताया कि परीक्षा हॉल में ही दौरा पड़ जाने से उसकी प्रेमिका पर राज खुल गया, उसने शादी से मना कर दिया। हताशा में लड़के ने नींद की गोलियां खा ली,
मौत तो नहीं आई पर एक अभिशप्त जीवन दी गई। इस बहसबाजी का सार यही था कि लड़का नीम पागल है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, उसके पास बीए की डिग्री थी, यह उसने कैसे हासिल की यह कोई नहीं जानता था। हैरत की बात तो यह थी कि वर के परिवार वाले इस विषय में मौन साधे हुए थे। वे तो ऐसा अभिनय कर रहे थे जैसे उन्हें मिर्गी का यह दौरा पहली बार देखा हो। जया के पिताजी ने फिर ज्यादा सोच विचार नहीं किया, साफ कह दिया कि ऐसे झूठे और दगाबाज लोगों के घर में अपनी लाडली को नहीं भेज सकता। मैं उसे जिंदगी भर खिलाने का हौसला रखता हूँ। उसके दोनों भाई भी खम ठोंक कर खड़े हो गए। बारात बिना दुल्हन के ही विदा हो गई। मैं उन लोगों को दोष नहीं देती दीदी, जया अक्सर मुझसे कहती, उन लोगों ने जो कुछ किया स्वार्थ के वशीभूत होकर किया। उन्होंने सोचा होगा कि शायद बहू के पुण्य प्रताप से या सेवा चाकरी से लड़का लाइन पर आ जाएगा। अगर पिताजी इतनी हठधर्मी ना करते या मैं भी भावुकतावश जाने का निर्णय कर लेती तो हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार हो भी जाता। सिनेमा में उपन्यासों में ऐसा होता भी तो है, पर दीदी मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है, गुस्सा आता है जिन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। वे लोग हमारे रिश्तेदार थे, इन लोगों के पड़ोसी थे, वे सब कुछ जानते थे पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बल्कि यह रिश्ता भी उन्हीं लोगों ने सुझाया था, नहीं तो इतनी दूर हम क्यों जाते। दूरी के कारण ही पिताजी ठीक से अता पता नहीं कर सके। वे तो अपने बंधु बांधवों के भरोसे निश्चिंत बैठे रहे, उन्हें क्या पता था कि वे लोग इस तरह पीठ में छुरा भोंक देंगे। बंधु बांधव वो करते ही क्या है, मैं कहती, इसीलिए तो कौरव पांडवों की कहानी बराबर दोहराई जाती है, दुनिया में रोज महाभारत होते हैं। इस हादसे के बाद साल भर तक जया घर में मुंह छिपाए बैठी रही, पर इस तरह कब तक चलता, कभी तो उस खोल से बाहर आना ही था। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने फैली पड़ी थी। मन तो मजबूती से थाम कर उसने बीए की पढ़ाई पूरी की, फिर एमए में गोल्ड मेडल लिया और हमारे कॉलेज में लेक्चरर हो गई। मैंने और उसने एक ही दिन ज्वाइन किया था। हमारी नौकरी और दोस्ती की शुरुआत साथ ही हुई थी। हम दोनों की आयु में अंतर था, परिस्थितियां भी भिन्न थी। नौकरी मेरे लिए मजबूरी नहीं थी, एक भरी पूरी गृहस्थी थी मेरी, दो बच्चे थे, पति अच्छे ओहदे पर थे, लेकिन मैं अपनी डिग्रियों पर जंग नहीं लगने देना चाहती थी। दो बच्चों के बाद ही मैंने विराम ले लिया था और कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन परिस्थितियों का यह अंतर हमारे बीच में बाधक नहीं बना। एक बार मन मिल जाए तो बाहरी चीजें गौण हो जाती हैं। हो सकता है हमारा कोई पूर्व जन्म का ही संयोग रहा हो। कितनी जल्दी हम एक दूसरे से घुल मिल गईं। मेरे बच्चे तो उसकी आंख के तारे थे। मजाल है जो कोई फरमाइश अधूरी रह जाती। मम्मी ने जरा कंजूसी की नहीं कि फौरन जया मौसी के पास शिकायत पहुंच जाती। अपने बच्चों को डांटना भी मेरे लिए कठिन था, फौरन मुझे जया की डांट खानी पड़ती। वो अपने मन का सारा संचित स्नेह गौतम और मृणाल पर लुटा रही थी। उनके लिए टॉफियां और खिलौने तो आते ही थे, हर साल सालगिरह पर एक नया स्वेटर भी वे पाते थे। मुझे जब जब पीहर की याद आती मैं उसके घर चली जाती। अम्मा जी मुझे खूब प्यार करती थीं। उन्होंने एक तरह से मुझे अपनी बड़ी बेटी ही मान लिया था। उसकी दोनों भाभियां भी मेरा खूब स्वागत करती, मीठे उलाहने देती तो एक नए नए व्यंजन भी खिलाती। जया सचमुच भाग्यवान थी, नहीं तो ऐसे सा हृदय भाई और स्नेही भाभियां अब कहाँ मिलती हैं। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, पर कभी कभी मन बड़ा उदास हो जाता। लगता जया बेचारी यहाँ वहां खुशी खोजती फिरती है, उसे उसका हक मिलना चाहिए। उसकी गाड़ी फिर से पटरी पर लाने की मैं खूब कोशिश करती। मैट्रिमोनियल्स पढ़ पढ़कर मैं अपनी आंखें दुखा ली थी, पर जया कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ हंसकर रह जाती। उन्हीं दिनों मेरे मौसेरे भाई की पत्नी प्रसूति से चल बसी थी। पहला एक 4 साल का लड़का था। भाई तो जैसे पागल हो गया था। मौसी ने बड़े ही करुण ढंग से मुझे लिखा था कि योगेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखूं, बच्चे को तो कोई भी पाल लेगा, पर इस समय जरूरत योगेश को संभालने की है। निसंतान हो तो विधवा भी चलेगी, पर लड़की सुशील हो और ब्राह्मण हो। मुझे एकदम जया की याद हो आई। योगेश से अच्छा वर उसके लिए मिल नहीं सकता था। रूप रंग कद काठी विद्या बुद्धि सभी दृष्टि से वे परस्पर अनुरूप थे। योगेश दुहाजू जरूर था, पर जया के साथ भी तो एक कहानी जुड़ी हुई थी। मैं मौसी को पत्र लिखने ही वाली थी, पर सोचा पहले इन लोगों को तो टटोल लूं, और यह मैंने अच्छा ही किया, नहीं तो बाद में मौसी के सामने लज्जित होना पड़ता।
उस घर में इस विषय पर कोई बात करना ही नहीं चाहता था। भाभियों ने मुझे अम्मा जी के पास ठेल दिया और अम्मा जी ने पिताजी के पास भेज दिया। वैसे तो जया के पिताजी भी मुझसे बहुत स्नेह करते थे, पर उन्होंने मेरा जरा भी लिहाज नहीं किया और एक वाक्य में ही सारी बात खत्म कर दी। बोले, बेटी, उसके भाग्य में जैसी शादी लिखी थी हो गई। हमारे खानदान में लड़की पर बार बार हल्दी नहीं चढ़ती। बात आई गई हो गई, हिंदुस्तान में लड़की की शादियां तो रुकती नहीं है। 4 महीने बाद ही योगेश का विवाह एक सुंदर सुशील कुमारी कन्या से हो गया, पर जया का प्रश्न तो यथावत था। मैंने उससे कहा, जया, अपने जीवन की गुत्थी तुम्हें ही सुलझानी होगी। कानूनी कार्यवाही में जो मदद चाहोगी हम करेंगे, पर पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। वह बोली, दीदी, बुढ़ापे में पिताजी को दुख देने की इच्छा नहीं होती। इतनी बदनामी शायद वे झेल नहीं पाएंगे। जब तक जया के पिताजी जीवित रहे, यह विषय फिर से उठाने का प्रश्न ही नहीं था। 3 साल पहले जब उनका देहांत हुआ, जया 35 पार कर चुकी थी। एक दिन यों ही विषय छिड़ गया था तो बोली, इस उम्र में शादी करती क्या अच्छी लगूंगी, इतनी निकल गई तो आगे भी कट जाएगी, अम्मा भी क्या सोचेंगी, जैसे मुझे ताप के मरने का ही इंतजार हो। इस निरानंद जीवन की अभ्यस्त हो चली थी जीरा, अम्मा भी क्या सोचेंगी, जैसे मुझे बाप के मरने का ही इंतजार हो। इस निरानंद जीवन की अभ्यस्त हो चली थी जया की परिस्थितियों ने फिर नया मोड़ लिया है। जो सुख कभी उसका था ही नहीं, उसके छिन जाने का आत्मीय स्वजन शोक मना रहे हैं और लोकाचार के इस चक्रव्यूह में वह निरीह लड़की बुरी तरह घिर गई है। शादी से 15 दिन पहले मैंने छुट्टी ले ली, लेनी ही पड़ी। जया ने तब तक ज्वाइन नहीं किया था। जब वह दोबारा कॉलेज जाने लगी तो मुझे आशा थी कि कॉलेज आते जाते किसी दिन वह जरूर आएगी, सारी तैयारियों का मुआयना करेगी, मेरी आलोचना करेगी, सलाह देगी, पर वह एक बार झांकी तक नहीं। मैंने कितने दिनों तक कार्ड्स नहीं छप पाए, उसे बहुत चाव था। जब भी किसी का कार्ड देखती कहती, दीदी, मृणाल की शादी में कार्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट मुझे देना, देखना ऐसे डिजाइन करूंगी, वो शानदार मैटर होगा कि लोग हॉल में सजा कर रखेंगे। रिसेप्शन का मेनू बनाते हुए उसकी इतनी याद आई। सुनार की दुकान पर अकेले पांव देने का मन नहीं हो रहा था, ढेर सारी साड़ियां खरीदनी पड़ी, पर शॉपिंग का कोई मजा नहीं आया। दुकानदार भी अक्सर पूछ लेते थे, मैडम, आपकी आज सहेली नहीं आई? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह मेरी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गई है। कार्ड देने तो उसके यहाँ जाना ही था। हम लोगों ने पूरे परिवार को सादर आमंत्रित किया। फिर मैंने जया से कहा, तुम्हें तो पूरे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, मृणाल को विदा करके ही तुम घर लौटोगी। उसने फीकी हंसी हंसकर कहा, अम्मा से पूछ लो, अम्मा जी तो इनके सामने ज्यादा बोलती नहीं थी। बड़ी भाभी ने कहा, हम लोगों में से कोई आ जाएगा दीदी, पर जया के लिए इसरार मत करना। देखो, 1.25 महीना भी नहीं हुआ है अभी, लोग क्या कहेंगे। कोई बहुत तीखी सी बात मेरे होठों तक आई थी, पर मैं जब्त कर गई। इनके सामने तमाशा करने की हिम्मत नहीं पड़ी, और फिर कहने से फायदा भी क्या था, बेकार अपना ही मूड खराब होता। हम लोग चलने लगे तो जया ने मुझे एक और बुलाकर कहा, दीदी, मेरी एक बात रखेंगी? कहो। मृणाल को दुल्हन के रूप में देखने का बहुत अरमान है, 10 मिनट के लिए ही सही, उसे मेरे पास भेज सकेंगे? ओ श्योर, मैंने कहा। उस समय उसका कंठ इतना भीगा हुआ था कि उसकी कोई भी विनती मैं टाल नहीं सकती थी। मन में बस यही कसक बनी रही कि जया नहीं आई, बाकी सारा आयोजन इतना सफल रहा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। बाराती तो कुल जमा 25 ही थे, पर घरातियों की संख्या उनसे 10-20 गुना अधिक ही थी। मेरा स्टाफ था, इनका स्टाफ था, मृणाल की सहेलियां थीं, अड़ोसी पड़ोसी थे, और थे ढेर ढेर रिश्तेदार, पर कहीं कोई बद इंतजामी नहीं हुई। मंडप के साज सज्जा से लेकर भोजन की व्यवस्था तक कहीं किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। दूल्हे के चुनाव को लेकर तो सभी ने हमें बधाइयों से लाद दिया, खुशी का वह भार मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। मृणाल तो उस दिन इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। जया की बात बार बार मन में आ रही थी, पर मौका ही न मिला। रानी जी ब्राइडल मेकअप करवा के जब पीछे के दरवाजे से अंदर आ रही थी, तब 12 दरवाजे तक आ चुकी थी। जयमाला के बाद तुरंत ही रिसेप्शन था, उसके बाद बराबर सारी वैदिक रस्में निपटाते हुए रात के 2 बज गए। भी लोग उतनी रात को ही दूल्हा दुल्हन को लेकर होटल चले गए।
वहां सुसज्जित ब्राइडल सूट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जया की इतनी सी बात न रखने का मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए सुबह सवेरे नहा धोकर मैं होटल पहुंच गई। शहर के सबसे बड़े होटल में उन लोगों को ठहराया गया था। हमें 25 लोगों पर भी उसका खर्चा भारी पड़ रहा था, पर ये बोले, उन लोगों ने हमसे कुछ मांगा भी तो नहीं, फिर इंतजाम में कंजूसी क्यों करें। मान लो 200 बाराती लेकर आ जाते तो तब तो धर्मशाला में भी हमारे पर कच्छे उड़ जाते। गाड़ी से उतरते ही मैं सीधे मृणाल के कमरे में जाने वाली थी, पर संकोच हो आया, फिर इन्होंने भी टोक दिया। गो थ्रू प्रॉपर चेन मैडम, ठीक था, अब तो उसे हम अपनी मन मर्जी से हर कहीं नहीं ले जा सकते थे, उसके सास ससुर से पूछना जरूरी था। सौभाग्य से वे जागे हुए थे, हमें देखते ही अचकचा गए। अरे आप लोग सुबह सुबह? जी बस देखने चले आए थे कि आप लोगों को कोई असुविधा तो नहीं। अरे नहीं जी, बिल्कुल नहीं, 10 बजे खाना बिल्कुल तैयार रहेगा, आप लोग वहीं आ रहे हैं ना? हाँ, बस अब सबको तैयार होने के लिए फरमान भेजते हैं, एक रिक्वेस्ट थी। समधिन को इतना मक्खन लगाने के बाद मैंने असल बात शुरू की। कहिए। मेरी एक सहेली कल शादी में नहीं आ सकी थी, मृणाल को वह बहुत प्यार करती है, जाने से पहले 10 मिनट के लिए दोनों वहां हो आएंगे तो उसका मन रह जाएगा, उसने बार बार कहलवाया है। लेकिन वे शादी में क्यों नहीं आई, क्या बीमार हैं? हाँ बस यही समझ लीजिए, दरअसल उनके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है। अब इन्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए, इसका विवेक तो पुरुषों को कभी होता ही नहीं। दरअसल बात क्या है बहन जी, मैंने कहना शुरू किया पर चुप हो गई। जया की कहानी क्या इस तरह एक सांस में किसी को सुनाई जा सकती है? मुझे आश्चर्य हो रहा है मिसेज कुमार, अभी तो लड़की की हल्दी भी नहीं उतरी और आप उसे ऐसी जगह भेज रही हैं, अपने ही हाथों अपनी बेटी का असगुन कर रही हैं। आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए था, मैंने तो कह भी दिया, बहन जी आप तो यूरोप में 8-10 साल रह चुकी हैं, क्या आप ही इन चीज़ों को मानती हैं? यूरोप में रहने से क्या होता है, कोई हम अंग्रेज थोड़े ही हैं, अपनी संस्कृति थोड़े ही छोड़ देंगे। मैंने उनके कटे बालों को, रंगे होठों को, तराशी भौहों को और अनावृत बाहों को देखती रही। विदेश सेवा में रत अपने पति के साथ मैडम ने सिर्फ चोला बदला था, मन तो अभी भी वही घोर परंपरावादी था, और घर परिवार में उनके इसी गुण की प्रशंसा होती होगी। फलाने को बहू इतने दिन फॉरेन रहकर आई है पर अपनी संस्कृति नहीं भूली, ये कौन सी संस्कृति है? समधी जी ने शायद मेरे मनोभावों को पढ़ लिया था, खींचकर पत्नी से बोले, ये किस ढकोसलेबाजी में पड़ी हो, जाने दो बच्चों को, 2 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता। पति की अवमानना करने की ताब शायद उनमें नहीं थी, बोली, उन्हें जाने तो दीजिए। फिर मुझसे बोले, आप तो उनके साथ जाएंगी ना, अगर आपकी सहेली इन लोगों को कुछ देने लगे तो आप अपने हाथ से दीजिएगा, उनसे मत दिलवाइएगा। जया कुछ देगी यह तो निश्चित था, नए जोड़े को कोई भी खाली हाथ विदा नहीं करता, उस समय क्या मुझसे निर्मम आज्ञा का पालन हो सकेगा? मैं जया को खुशी देने जा रही हूँ, उसका अपमान करने नहीं, तो रहने ही देते हैं। मैं एकदम उठ खड़ी हो गई, आपने आशंका उठाई है तो अब मेरा मन डावाडोल होने लगा है। वही तो, वे खुश होकर बोली, हम लोगों के इतने पुराने संस्कार हैं, वे सहज ही में थोड़ी ही जाते हैं, पुरुषों को तो किसी चीज का विधि निषेध नहीं है, पर हम लोग तो इतनी लापरवाह नहीं हो सकती, हर बात को 10 बार सोचना पड़ता है। उनका प्रवचन सुनकर पहली बार पछतावा हुआ, मृणाल के लिए घर ढूंढने में हमने कोई भूल तो नहीं की? मृणाल गई और एकदम घर सूना हो गया, मेहमानों से ठठास सच भरा हुआ था, फिर भी भाएं भाएं कर रहा था। यही तो फर्क होता है, बेटी की शादी होती है तो घर खुशियों से भर जाता है, पर बेटी के साथ तो सारी रौनक ही विदा हो जाती है। करने को तो अब भी कितने काम थे, पर पहले वाले उत्साह का कहीं अंश मात्र भी शेष नहीं था। 4-5 दिन बाद फोटोग्राफर एल्बम बनाकर दे गया तो मुझे जैसे एक खिलौना मिल गया। मैं घंटों बैठी अपनी लाडली को निहारती रहती, घर आने जाने वाले को दिखाती रहती। उस दिन भीड़ भाड़ में तो मैं किसी को ठीक से देख ही नहीं पाई थी, मेरे मन मस्तिष्क पर तो मृणाल और किशोर छाए हुए थे, पर अब फुर्सत में बैठकर मैं सबका मुआयना कर रही थी और सहसा मेरी आंखें जया की भाभी पर अटक गईं। उस दिन केवल उसके छोटे भाई और भाभी ही आए थे, बेबी खाने के लिए नहीं रुके, बस लिफाफा पकड़ाकर चले गए थे, कैमरे ने उन्हें वर वधु को आशीर्वाद देते हुए कैद कर लिया था। भाभी की साड़ी देखकर मेरे मन पर सांप लौट गया, यह साड़ी थी
जो हम लोगों ने पिछले वर्ष बंगलुरु में खरीदी थी। पिछले वर्ष कॉलेज की ट्रिप दक्षिण भारत गई थी। पूरे रास्ते में हम लोग साड़ियां और नग वाले गहने खरीदते रहे। जया ने गहरे रंग की कांजीवरम खरीदी थी, जिसका लाल और सुनहरी बॉर्डर था। उसने कहा था, दीदी इसका उद्घाटन मृणाल की शादी में करेंगे। जया ने वही किया था। मृणाल की शादी में भाभी को वही साड़ी पहनाकर भेज दिया था। अच्छा हुआ जो उस दिन मेरा ध्यान नहीं गया, नहीं तो मूड इतना खराब होता कि बस। तो क्या जया अब वह साड़ी कभी नहीं पहनेगी? वैसे मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। शादी में नहीं आई तो ना सही, पर बाद में तो आ सकती थी। क्या उसे एल्बम देखने का भी चाव नहीं रहा, या कि वह मुझ पर नाराज है? पर मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी कि मैं मृणाल को उसके पास क्यों नहीं भेज सकी। पूरे एक महीने बाद छुट्टी के बाद दोबारा कॉलेज जाते हुए मन खुशी से सराबोर था। पहले ही दिन शादी का एल्बम साथ ले जाना मैं नहीं भूली थी। स्टाफ रूम में दिन भर अच्छा शगल चलता रहा। मुझे लोगों ने दोबारा बधाइयों से लाद दिया, तारीफों के पुल बांध दिए। मैं भीतर ही भीतर पुलक से भर उठी, पर जया को देखते ही सारी खुशी को पाला मार गया। उसने तो सचमुच ही जैसे वैराग्य धारण कर लिया था। मुझे तो उसके पास बैठकर बात करने में भी संकोच होने लगा। मैं तो उससे लड़ने का इरादा लेकर आई थी, मुझे उससे माफी भी मांगनी थी, पर दोनों ही बातें नहीं हो सकी। उसके सूखे चेहरे और रूखी वेशभूषा में अभ्यस्त होने से मुझे 4-5 दिन लग गए। उसके बाद मैंने कहा, जया बाजार कब चलना है? किस लिए? चंदेरी साड़ी लेनी है ना? अरे दीदी मैंने तो मजाक किया था। लेकिन मैंने तो मजाक नहीं समझा था। अब आप क्या लड़की की शादी की साड़ियां बांटती फिरेंगी? रहने दीजिए, गौतम की शादी पर सोचेंगे। लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, दोनों की शादी में माँ बाप को खुशी तो होती ही है। और फिर लड़के का क्या ठिकाना, कल तो कनाडा से एक मैम ले आएगा और कहेगा, मम्मी यही रही बहू आपकी, तब क्या होगा? मेरे सारे अनुमान धरे के धरे रह जाएंगे। मैम बहू आएगी तो क्या आप हमें साड़ी नहीं देंगे? फालतू बातें बंद, यह बताओ बाजार कब चलना है? अभी रहने दीजिए दीदी, अभी बाजार जाती क्या मैं अच्छी लगूंगी? जया यह तुम्हें क्या होता जा रहा है, मैंने कहा। कहना तो और भी बहुत कुछ चाहती थी पर चुप रह गई। सचमुच इस लड़की को क्या होता जा रहा है? कपड़े तो जैसे भी पहन रही है ठीक है, पर शरीर भी तो सूखता चला जा रहा है। ब्लाउज झूल रहे हैं, गालों की हड्डियां निकल आई हैं, आंखों के इर्द गिर्द स्याह घेरे बन गए हैं। क्या रातों को सो नहीं पाती? क्या इसने खाना पीना छोड़ रखा है? पहली वाली बात होती तो मैं चुटकी ले लेती, जया लगता है मरने वाले का गम तुम्हें सचमुच खाए जा रहा है। पर अब आपस में ना तो वह संवाद रह गया है, ना जया के बुझे बुझे चेहरे को देखकर यह सब कहने का साहस होता है। उस दिन कैलेंडर की तारीख बदलते हुए याद आया, आज तो जया का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन हर साल मैं ही मनाती थी, कुछ न कुछ उपहार भी देती थी। इस बार का उपहार तो यही था। जब मेरे बार बार कहने पर भी वह नहीं मानी तो एक दिन मैं खुद ही जाकर उसके लिए साड़ी ले आई थी। चंपई रंग की खूबसूरत चंदेरी थी, जिस पर पहले बेल बूटे थे। यह जया का प्रिय रंग था। मैंने गुलाब जामुन सुबह ही बनाकर रख दिए, पंडित जी को दही बड़ों के लिए कह दिया। सोचा और कुछ गर्म मैं आकर बना लूंगी। उस दिन के लिए इनसे गाड़ी मांग ली, सोचा गाड़ी में डालकर साथ ही ले जाऊंगी, उसे खिला पिलाकर साड़ी पहनाकर ही भेजूंगी। उसका यह अकारण वैराग्य मुझसे झेला नहीं जा रहा था। किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी, वह अपने आप तो इस तथा कथित शोक से उबर नहीं पाएगी। पर कॉलेज जाते ही मुझे निराशा हाथ लगी। उस दिन फिर उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई हुई थी। मेरी सारी व्यूह रचना व्यर्थ होकर रह गई। क्या करती है यह लड़की, हर 2 दिन बाद गायब हो जाती है। स्टाफ रूम में मैंने अपनी झल्लाहट उतारते हुए कहा, इसे नौकरी वोकरी करनी है कि नहीं? आपको नौकरी की पड़ी है मिसेस कुमार, वहां लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं। मिसेस माथुर का यह फिकरा इतना अप्रत्याशित था कि मैं जड़ होकर रह गई। विश्वास न हो तो मिसेज गुप्ता से पूछ लो। मैंने मिसेज गुप्ता की ओर देखा तो वह बुरी तरह झेंप गई। बेचारी गौ महिला है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ती। पता नहीं मिसेज माधुर ने उन्हें कैसे लपेट लिया। बताइए ना मिसेज गुप्ता, आप इतना डरती क्यों हैं? कोई आपने चोरी की है? मिसेज माधुर ने उन्हें उकसाया तो वे बड़े दयनीय स्वर में बोली, भाई हमें तो ठीक से मालूम नहीं, हमने तो सुना भर है। वही तो पूछ रहे हैं, क्या सुना है? हमारे सामने अस्थाना साहब एडवोकेट है ना, वो बता रहे थे कि इन लोगों ने दावा किया है। कैसा दावा?
यही प्रॉपर्टी का? हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए मिस वाजपेयी ने दावा किया है। अपने आप को मिस कहती हैं और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं। ये मिसेज मालविया थी। इम्पॉसिबल, बड़ी देर बाद मेरे मुंह से निकला। जया कभी इतनी नीच हरकत कर ही नहीं सकती। मिसेज कुमार, मिसेज माथुर बोले, आपने बच्चों की शादी जरूर कर दी है, पर दुनियादारी के मामले में आप स्वयं अभी बच्ची हैं। आप नहीं जानती कि पैसे का मोह आदमी से क्या क्या करवा लेता है। प्रॉपर्टी के चक्कर में अच्छे अच्छों के नकाब उतर जाती हैं। लेकिन जया पैसों की भूखी नहीं है, वह खुद 2500 रुपये महीना कमा रही है। और हजारों लाखों में फर्क होता है मिसेज कुमार। पर मैं कहती हूँ, इसमें इतनी हायतोबा मचाने की क्या जरूरत है, मिसेज रायजादा बोली। अगर वह उस शख्स के नाम पर 20 बरस तक धूमिल रमा कर बैठी है तो उसका प्रॉपर्टी पर पूरा हक बनता है। वो अपने जायज हक के लिए लड़ रही है। बात जायज या नाजायज हक की नहीं है मिस रायजादा, मैंने संजीदा होकर कहा। प्रश्न तो यह है कि जिस बंधन को कभी मन स्वीकार ही नहीं किया उसके। मन जरूर स्वीकार करता, मिसेज माथुर बोली। अगर मन यह पहले से जानता कि आसामी 5 लाख का है तो वह सारे बंधन स्वीकार कर लेता। 5 लाख? जी हाँ, जया के ससुर इस बेटे के नाम 5 लाख फिक्स्ड में छोड़ गए हैं। व्यवस्था यह थी कि इस रकम का ब्याज उन लोगों को मिलता रहेगा जो उसकी देखभाल करेंगे। अब तक ऐसा ही होता भी रहा। तीनों भाई बारी बारी उसे संभालते रहे, लेकिन उसकी मृत्यु ने अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी रकम का वारिस कौन होगा? वैसे लीगल राइट तो जया का ही बनता है, मिस रायजादा ने कहा। अरे, वे लोग आपस में फैसला कर लेंगे, पर इसे एक कौड़ी भी नहीं देंगे, देख लेना। सुना है इन लोगों ने नोटिस भेजा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो उस आदमी की मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं लगती। स्टाफ रूम में फिर मृत्यु के कारणों की चर्चा चल पड़ी। कई तर्क कुतर्क उछाले गए, पर मेरा मन उस बातचीत से बहुत दूर चला गया था। जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था, पर इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। उस शाम में अपने को ठेल ठाल कर उसके घर ले गई। वहां जाने की अब पहले किसी ललक मुझ में नहीं रही थी। उन लोगों का स्वागत भी अपेक्षाकृत ठंडा था। मुझे लगा कि यह संबंध अब बहुत दिनों तक ढोया नहीं जा सकेगा। जया हस्ब मालूम अपने कमरे में थी। साड़ी का पैकेट उसकी गोद में रखते हुए कहा, जन्मदिन की एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। ओह दीदी, उसने कहा और उसकी आंखें छलछला आईं। यहाँ घर पर तो सब लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी को ऐसी छोटी सी बात का होश ही नहीं है, पर मैं जानती थी आप नहीं भूलेंगी, इसीलिए कॉलेज नहीं आई। बहुत मेहरबानी, आप यह सब क्यों लाई हैं? आपका तो आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। आपके इस स्नेह ऋण से तो मैं कभी भी उबर नहीं पाऊंगी। धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ चुकी, अब जरा खोलकर भी देख लो। उसने कांपते हाथों से पैकेट खोला और विस्मय विमुग्ध होकर देखती रही। कुछ देर तक तो साड़ी को गोद में रखकर उसकी मुलायम सतह पर हाथ फेरती रही, फिर उसे गालों से लगाकर उसकी रेशमी छुअन को अपने भीतर समोती रही। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे देख रही थी। लग रहा था जैसे वह वर्षों बाद किसी अपने से मिली हो। कुछ देर तक वह कमरे में मेरी उपस्थिति को भूल ही गई थी। सुनो जया, कल तुम यह साड़ी पहनकर कॉलेज आओगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारा वैराग्य पर्व अब समाप्त करना ही पड़ेगा। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही और एकदम बिलख पड़ी। दीदी, मरने वाला अपने साथ मेरे पहनने ओढ़ने का सुख भी ले गया, अब यह साड़ी मेरे किसी काम की नहीं है। और वह भर भराकर रो पड़ी। पति की मृत्यु के 2.5 महीने बाद जया का बांध टूटा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सांत्वना कैसे दूं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसके दुख की जाति क्या है। मैं सिर्फ उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने उसे चुप कराने का भी प्रयास नहीं किया। इतने दिनों से संचित आवेग का बह जाना ही ठीक था। बहुत देर तक रो लेने के बाद वह कुछ हल्की हो आई। बड़े ही तरल स्वर में उसने कहा, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं दीदी, तो एक सफेद चिकन की साड़ी लाकर दे दीजिए, खुद जाकर खरीदने का साहस मुझ में नहीं है। तो तुम अब सफेद साड़ी भी पहनोगी? हाँ दीदी, बिल्कुल, टिनोपाल काइट साड़ी। उसे पहनकर औरत देवी लगती है, उसे देखकर दया भी उपजती है और श्रद्धा भी। मैंने ध्यान से सुना। उसकी बातों में वह पुरानी जया फिर से झांकने लगी थी। शायद जी भरकर रो लेने से मन पर पड़ी उदासी की परत धुल गई थी। मैंने फिर भी उसी मूड में उत्तर दिया, खबरदार जो कॉलेज में सफेद साड़ी पहनकर आई, मैं गेट के भीतर कदम नहीं रखने दूंगी। कॉलेज की नहीं दीदी, मैं तो कोर्ट की बात कर रही हूँ,
वहां तो सफेद साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। अगर असहाय निराश्रित विधवा का रूप नहीं धरूंगी तो जज साहब पसीजेंगे कैसे। कितनी आसानी से, बेतकल्लुफी से वह इतनी बड़ी बात कह गई थी। उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। मुझे वितृष्णा सी होने लगी। क्षण भर पहले ममता से उमकता मेरा मन काट हो आया। तो मैंने जो सुना है वह सच था क्या? इसीलिए यह नाटक हो रहा है? नहीं दीदी, अब तक जो हुआ वह लोकाचार था। नाटक तो मैं अब करूंगी, आप देखती जाइए। जया, हाउ कैन यू? गुस्से के मारे मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकल सके। आप यही कहना चाहती हैं ना कि जिसके सुख दुख में मैंने कभी हिस्सा नहीं बटाया उसकी संपत्ति में ऐसा क्यों मांग रही हूँ? जिसका नाम कभी मैंने अपने नाम के साथ नहीं जुड़ने दिया उसके वारिसों की लिस्ट में नाम क्यों लिखवा रही हूँ? आप यही कहना चाहती हैं ना? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जरा से रुपए के लिए तुम अपने आत्मसम्मान को ताक पर क्यों रख रही हो? क्या आप सोचती हैं कि मैं यह सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ? तो किसकी मर्जी से कर रही हो? और मर्जी किसी की भी हो क्या फर्क पड़ता है, करने वाली तो तुम हो। मजबूरी है दीदी, कभी कभी मनुष्य को ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिसके लिए मन गवाही नहीं देता। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी यह है कि इस मन से परे भी एक दुनिया है जिसमें माँ है, भाई भतीजे है, भाभियां हैं। वे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि समय के साथ चलना सीखो। अम्मा कहती हैं कि तुम्हें भाइयों के पास ही रहना है तो उनकी होकर रहो, उनके मन की करो। और भाई कहते हैं कि दीदी, कितना आदर्श परिवार था हमारा। लोग घर की बहू बेटियों के सामने हमारे घर की मिसाल रखते थे। कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, पर हमारे यहाँ कभी चक चक नहीं हुई। सास बहू, ननद भौजाई, देवरानी जेठानी, इनके बीच कभी तकरार नहीं हुई। बहुत अमीर तो हम कभी नहीं थे, पर दाल रोटी आराम से चल जाती थी और सब उसमें खुश भी थे। पर इधर कुछ दिनों से असंतोष की लावा सब फूट पड़ा है। पता नहीं कितनी अतिरिक्त इच्छाएं एकदम सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं। बड़ी भाभी दिन रात विसूरती रहती हैं कि पैसों के अभाव में महिमा की शादी अच्छी जगह नहीं हो सकी। अब कम से कम अणिमा के लिए ही अच्छा घर भर जुट जाता। छोटी भाभी कहती हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो मयूर शायद आत्महत्या ही कर लेगा। पर भैया के पास कैपिटेशन फीस के पैसे कहाँ हैं? छोटे भैया का इस दड़बे में दम घुट रहा है और वे शहर से बाहर एक अच्छा सा फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बड़े भैया कहते हैं कि पैसों का सुभीता हो जाए तो वे इस घर की ही काया पलट कर देंगे। और इन सब कामों के लिए तुम्हें बरेली वालों का रुपया चाहिए, यही ना? हाँ, भैया कहते हैं तुम किसी से भीख नहीं मांग रही हो, यह तुम्हारा कानूनी हक है। आखिर तुमने 20 साल तक तपस्या की है। ये तपस्या की बात तुम्हारे गले से उतरती है? ना उतरे तो उपाय क्या है? आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है। तुम इतनी निरुपाय तो नहीं थी जया, अच्छी खासी नौकरी करती हो। नौकरी सिर्फ रोटी देती है दीदी, पर हिंदुस्तानी औरत को एक सुरक्षित छत चाहिए, फिर चाहे वह पिता की हो अथवा भाई की, पति की हो अथवा बेटे की। इसीलिए तो इस लड़ाई में अम्मा भी मेरे साथ नहीं है। इस चौथेपन में वो बेटों से बिगाड़ नहीं कर सकती, आखिर वे ही तो उन्हें मुखाग्नि देंगे। मेरा क्या है, मैं तो महज एक लड़की हूँ जो जन्म लेते ही परिवार पर भार बन जाती है। आई एम सॉरी जया, मैंने उठते हुए कहा, तुम्हारी परेशानियों को तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। मैं तो यूं ही कुछ न कुछ कहती रहती हूँ, मेरे भाषण का बुरा न मानना। वह मुझे छोड़ने नीचे तक आई, पर हम दोनों में फिर कोई बात नहीं हुई। बैठक से गुजरते हुए देखा घर के लगभग सभी सदस्य वहां उपस्थित हैं और गर्मा गर्म बहस चल रही है। जया, जरा इन लोगों की हिमाकत तो देखो। बड़े भैया ने एक कागज नचाते हुए कहा, क्या हुआ? अरे, वे लोग तो तुम्हारी शादी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लिखते हैं कि हिंदू विवाह नियम के अनुसार फेरों के बाद ही विवाह पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है। जयमाला कोई वैदिक विधान नहीं है, यह तो मात्र एक परंपरा है। मैं 10 गवाह खड़े कर दूंगा कि फेरे हुए थे, छोटे भैया ने जोश में कहा। तो क्या वे लोग 100 गवाह नहीं ला सकते? आखिर 5 लाख का मामला है। जया की इस व्यंग्योक्ति पर छोटे भैया चकित होकर उसे देखते रह गए। तुम्हारी सास के मरने के बाद अपने यहाँ चिट्ठी आई थी, पिताजी की पुरानी फाइलों में वह अब भी मिल जाएगी। हम उसे कोर्ट में दिखा सकते हैं। अगर हमारा कोई संबंध नहीं था तो हमें सूचना क्यों भेजी गई? बड़े भैया की दलील बड़ी जोरदार थी, पर जया के पास भी नहले पर दहला था। अगर वे सचमुच मेरी सास थी तो मैं उस समय बरेली गई क्यों नहीं? सास के बाद मेरे ससुर भी शांत हुए थे, उनकी खबर क्यों नहीं आई?
उनके बेटे के बारे में भी हमें तीसरी जगह से पता चला। उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा? यही तो जालसाजी है, इसी पॉइंट पर तो हम उन्हें धर लेंगे। और अगर वे पूछें कि मैं अब तक मिस वाजपेयी क्यों हूं, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा सर्विस रिकॉर्ड, GPF, बैंक अकाउंट सब तो इसी नाम से है। अरे तू तो जिरह पर उतर आई। बड़े भैया एकदम गुस्सा हो गए। जिरह कर भी रही है तो किसकी तरफ से, यह तो देखो। मैं अपनी ओर से जिरह कर रही हूँ छोटे भैया, जया ने आवेश में भरकर कहा। 39 साल की हो गई हूँ मैं, कभी तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ यही कि बस बहुत हो चुका, अब मेरी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। हम खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं इसे और क्या नाम दूं? मेरे लिए सारे निर्णय आप लोग ही लेते रहे हैं। कभी मुझसे पूछा होता कि मेरी मंशा क्या है? आप लोगों की हर धर्मी ने मुझे मेरी ससुराल नहीं जाने दिया। वहीं सुख में दुख में जैसे भी होता मैं जी लेती। ऐसा ज्ञान तो हमें घुट्टी में ही पिलाया जाता है। वहां रहती तो यह आज की समस्या तो न उठती। उस समय आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि इतनी पहाड़ सी जिंदगी मैं कैसे काटूंगी। बाबूजी की जिद ने मुझे दूसरी शादी नहीं करनी थी, नहीं तो आज मैं कहीं अपनी छोटी सी गृहस्थी लेकर चैन से जी रही होती। अब आप फिर मेरा तमाशा बनाने पर तुले हैं। अब आप सबूत जुटाएंगे और कोर्ट दर कोर्ट साबित करते फिरेंगे कि मैं सचमुच मरने वाले की ब्याहता पत्नी हूँ। जिस गति से देश में दीवानी मुकदमे चलते हैं, उससे जाहिर है इसमें सालों लग जाएंगे। तब तक मेरे वजूद का क्या होगा? बताइए तो, मैं कुंवारी हूँ या विवाहिता, विधवा हूँ या परित्यक्ता? सबको जैसे काट मार गया था। कमरे में इतने लोग थे पर जया के स्वर की धार ने सबको गूंगा कर दिया था। बड़े भैया, उसने अश्रु विगलित कंठ से कहा, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आप चाहें तो मेरी सारी पेंशन, GPF, CPF अपने नाम लिखवा लीजिए, पर मुझसे ऐसा काम न करवाइए कि मैं अपने ही नजरों में गिर जाऊं। मुझ पर इतनी मेहरबानी जरूर कीजिए। चलिए दीदी, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा तो मुझे होश आया और शर्म भी। उस पारिवारिक ड्रामे की मूक दर्शक बनी मैं अब तक वहीं खड़ी थी। सॉरी जया, मैंने बाहर निकलते हुए कहा, मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। भाभी लोग पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मुझे मालूम है भी क्या सोच रही हैं, और इनका सोचना बिल्कुल ठीक है। आज आप साथ थी इसलिए मैं इतना खुलकर बोल सकी, नहीं तो शायद फिर से वोट सी लेती और अपने में ही घुलती रहती। और फिर एकाएक तरल स्वर में बोली, दीदी अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप पर भरोसा करती हूँ, निराश तो नहीं करेंगे? जया, मैंने इसका कंधा छूकर कहा, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं थे, तुम ही इधर का रास्ता भूल गई थी। रास्ता भूल गई थी, आपको नहीं भूल सकती। आपसे बढ़कर मेरा अपना है ही कौन? आप ही ने तो मेरे जीवन में दोबारा रंग भरने की कोशिश की है। औरों के तो चेहरे भी इस समय पहचाने नहीं जा रहे हैं। इतनी ज्यादा भावुकता मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने तुरंत हाथ दिखाकर एक रिक्शा रोक लिया और उसमें बैठते हुए सहज ढंग से पूछ लिया, तो फिर कल कॉलेज आ रही हो ना? बिल्कुल आ रही हूँ, और आपकी दी हुई साड़ी पहनकर आ रही हूँ। जनता से कहिए जरा होशियार रहे, उसने अपने बेलौस अंदाज में कहा। मेरी शाम सार्थक हो गई थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी मोरी रंग दी चुनरिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।